इनका बेटा हूँ, ये लाल चुन्नी वाली जो खड़े है ना, मैं इनका बेटा हूँ। अरे ताई दे, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ते कमेंट भी करो। सारे वधिया ही हो गए जी। ताड़ा अपने चैनल सिंपल डिंपल फूड से ताड़ा स्वागत हैगा जी। अज मैं तुहानू ना बेसन की मिठाई बना के दिखाऊंगी। तो पहले असीं इह खोया कढ़ांगे। इह 2-2.5 किलो मेरे कोल दुध हैगा, 2.5-3 किलो मेरे कोल दुध हैगा जी। मैं सब तो पहले तो खोया कढ़ूंगी। चुल्हे विच मेरी अग बाल ली, मैं कड़ाही रखती सीगी। खोया जी असी मिठी मिठी आँच ते ही कढ़ना है, ज़्यादा तेज आँच नहीं करनी असी, नहीं तो दूध जेड़ा सारा नीचे लग जूगा। खोया कढ़ने से काफी टाइम लगता है। जिवें अजकल जी मिठाइया मिलावटा आ रही, सानू ना अपने घर में ही दिवाली की थोड़ी बहुत मिठाई बना के जी बस सार लेना चाहिए। हूँ जिवें दुध कढ़ रहा है, मेरी दराणी जी खो जिवें जी हूँ मिठाइया मिलावटा आ रही, सानू अपने घर ही विच ही मिठाई बनानी चाहिए है। देखो जी कड़ कड़ के मेरा दूध अद्धा हो गया, हूँ अजे इन अद्धा घंटा होर लगेगा। आँच भी असी मिठी मिठी रखनी है जी, देखते नीचे बस असी ना कड़छी मारते ही रहना ये जी। कड़ कड़ के मेरा दूध अद्धा हो गया, हूँ अजे इन अद्धा घंटा हो लगेगा। आँच भी असी मिठी मिठी रखनी है जी, देखते नीचे बस असी ना कड़छी मारते ही रहना ये we
तैयार हो गया खोया। इन कम तो कम डेढ़ दो घंटा पूरा लगता है जी सानू खोया कढ़ने च। देखो जी मेरा खोया निकल के तैयार है, बिल्कुल तैयार हो गया। 3-4 किलो दूध का खोया हैगा जड़ा, पाइया तो थोड़ा जा उपर निकल जाता है 3 किलो दूध का। बस सानू इधर कोल चूल्हे कोल बह के आराम नाल ही ये निकलता जी, थोड़ी मिठी मिठी आँच विच ही असी बना रहे हैं। इस इधे विच तुसी चाहे सूजी पा लो भुन के, चाहे आटा पा लो भुन के, पर खंड पा के जो मर्जी मिक्स करके बना जी मिठाई, कोई भी मिठाई बना सकते हो तुसी। ते सूजी पा के भुन के उहदे च पा दो, उहदी भी बर्फी बड़ी स्वाद लगती है, पर मैं बेसन पाऊंगी भुन के, अलग तुहानू डिफरेंट कर बना के दिखाऊंगी जी, थोड़ा अलग बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल खोया तैयार हो गया, निकल गया। हुण मैं तुहानू आटा जिहड़ा बेसन हैगा भुन के दिखाऊंगी जी। ये बेसन मेरा 1/2 किलो बेसन है जी। मेरी कड़ाही बिल्कुल सुकी हैगी है, ये बेसन पा दूंगी मैं इहदे च। पहला असी थोड़ा जा बेसन जी एवं भुन लांगे, पहला असी खाली जी बिल्कुल बेसन भुन लांगे थोड़ा हल्का हल्के आंच विच। शुरू किया बनाते बनाते रात हो गई, हुण इहदे च बनाने कोई भी चीज़ हो दिल नाल बनाओ तो टाइम तो लगता ही है। आटा जी मेरा जिहड़ा बेसन हैगा बिल्कुल भुन के ब्राउन हो गया। हुण इहदे विच मैं 1/2 जिहड़ी कौली हैगी है देसी घिओ दी पा के इहनू थोड़ा होर भुन लांगी जी। इहनू भी अच्छी तरह असीं रला लांगे जी, देसी घिओ नूं बिल्कुल अच्छी तरह रला लांगे। देखो जी मेरा देसी घिओ भी जिहड़ा हैगा विच मिक्स हो गया अच्छी तरह। नीचे तार के जड़ा मैं खोया कटा हुआ और ला लूंगी जी विच अच्छी तरह। खोए नू भी असी ना मिक्स गरम गरम ही जड़ा हैगा बेसन है भुनिया हुआ साडा और ला लेंगे। हुण मैं कद्दूकस किया हुआ जड़ा खोपा है नारियल है वह पा लेंगे विच इहदे। थोड़ी जी दाखा मैं भिओ के रखिया हुई सीगियां वह बिच मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इनू हौली हौली हला हला के मिला लेना जी अच्छी तरह।
मेरे को देसी खंड है जी पौना क किलो, ये भी ये मिक्स कर दूंगी मैं। ये भी अच्छी तरह से रला लेंगे इनू। जे तुहानूं थोड़ा घट लगता है सुक्का लग रहा है तुसी थोड़ा जक देसी घ्यो गर्म करके होर भी पा सकते हो, पर जिहड़ा खोया हैगा साडा ये बाद विचों घ्यो छड़ दिंदा जी, इस करके मैं थोड़ा इनू ठंडा होण ते फिर जिहड़ियां हैगियां पीनियां वह बटूंगी। 10 मिनट इनू थोड़ा जा कोसा कोसा कर लेंगे, थोड़ा जा ठंडा जा हो जाएगा। हुण रला के मैं इनू 10-15 मिनट ढक के रख दूंगी जी, फिर ये असी पिनियां है जड़ियाँ वह बट के दिखावे तुम। पिनियां भी तुसी बना सकते हो, चाहे इनू परात विच तुसी जमा के दी बर्फी भी बना सकते हो, चाहे तुसी एवें भी पंजेरी की तरह इनू दुध नाल जां चाह नाल जिदे मर्जी नाल तुसी खा सकते हो। इहदी पंजीरी भी वैसे बहुत सोहनी लगती है, पर मैं ये जड़े हैगे है लड्डू वह बटूंगी जी, लड्डू बट के दिखाऊंगी तुहानूं। हेलो हेलो, हुण इह ठंडा हो गया जी। देखो मेरी भैणां मेरीआं मदद कर रहीआं लड्डू बटणे विच, असीं इहदे विच कलर नहीं पाया कुछ नहीं पाया, चाहे तुसीं एवें वी इहनूं डब्बे विच रख सकदे हो पंजीरी। मैं मम्मी का बेटा हूं, चाहे पंजीरी बना के एवें ही खा लो तुसीं, चाहे दे लड्डू बट लो, चाहे दी बर्फियां बना लो, कुछ भी तुहाडा दिल करदा हैगा वो कर लो। लड्डू लड्डू, अरे थोड़ा ज्यादा गोल करो इस वाले को, ठीक है लो खा लो खा लो खा लो। प्योर खोए दे लड्डू है जी बेसन दे, प्योर लड्डू है तो क्या प्योर। बेबी तुम ऐसे लगा, मैं देख रही ले, और मैं इनका बेटा हूँ, ये लाल चुन्नी वाली जो खड़े है ना, मैं इनका बेटा हूँ। कौन है जो लाल शान पहन पहन रखा है ना, वो मेरे। ये लड्डू बन के तैयार है जी, और साढ़े वालों सब वालों हैप्पी दिवाली। मेरे ताई ने चैनल नू सब्सक्राइब करो, शेयर करो ते कमेंट भी करो।